गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी में जब हमारे सामने कोई पैसेज रखा जाता है उस पैसेज को पढ़कर किस तरह से उत्तर निकालना चाहिए, किस तरह से हमारा उत्तर सही आए, इस बात पर ध्यान देंगे। तो पहले से मैंने आपके सामने ये छोटा सा पैसेज रखा है। छोटा इसलिए रखा है कि पहले हम छोटे से पैसेज को देखते हैं कि उसको, क्योंकि इसको अपठित पद्यांश के रूप में कहा जाता है। अपठित मतलब कि जिसको हमने पहले से पढ़ के ना रखा हुआ हो, उन चीज़ों को, उन पैसेजेस को किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से उनके प्रश्नों का उत्तर दें कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपकी हिंदी ठीक है, आपने बिल्कुल सही से उस अपठित पद्यांश को पढ़ लिया है, तो क्या होगा कि आपके जो जवाब हैं वे बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए, इसमें ये लिखा है कि सुधीर अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। गेंद पकड़ते समय उसके मित्र रवि को चोट लग जाती है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसके पैर में पट्टी बांध देते हैं और घर पर ही आराम करने को कहते हैं। तो जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा, इन लाइंस को पढ़ा, तो आपको कुछ चीज़ें तो ज़रूर दिमाग में आई होंगी कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो हमेशा अपने हाथ में आप एक पेंसिल रखिए कि जो भी आपके सामने रखा गया है उसको पढ़कर हम ये पता कर पाएं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पढ़ते समय जो तथ्य आपको लगे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं या फिर दिए गए टॉपिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको हमेशा अंडरलाइन कर लिया जाता है, यानी उनके नीचे लाइन खींच दिया जाता है, जिससे कि हमको भविष्य में जब कभी हम पढ़ें तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा पता रहे। जैसे कि अब आपने जब ये पढ़ा कि सुधीर अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पर क्रिकेट कौन खेल रहा था? सुधीर अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, गेंद पकड़ते समय उसके मित्र रवि को चोट लग जाती है, तो किसको चोट लग गई? रवि को। आपने उसको पेंसिल से लाइन खींच दिया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसके पैर में पट्टी बांधते हैं, यानी डॉक्टर उसके पैर में पट्टी बांध देते हैं और घर पर ही आराम करने को कहते हैं। ठीक, अब अगर आप इसको दूसरे शब्दों में सीखेंगे, आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ भी लिया बिल्कुल, और जो भी आपको लगा कि महत्वपूर्ण है उसके नीचे आपने पेंसिल से लाइन खींच दी, जिससे कि जब आप प्रश्न पढ़ने चलें तो आपको जो उत्तर है वो निकालने में आसानी आ सके, आसानी से आपको उत्तर मिल सके। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा, क्रिकेट कौन खेल रहा था? आपने अंडरलाइन किया कि सुधीर अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। आपके सामने प्रश्न आया क्योंकि आपने पहले से ही पेंसिल से हर जरूरी बात को रेखांकित कर दिया था, अंडरलाइन कर दिया था, तो आपको जवाब ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब आपका उत्तर आ जाएगा कि सुधीर अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब, सुधीर अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अब हम दूसरा देख लेते हैं, गेंद पकड़ते समय किसको चोट लग जाती है या फिर लग गई है? तो हमने क्या लिखा था? रवि को चोट लग जाती है, यानी अब आपका जवाब क्या आएगा? गेंद पकड़ते समय किसको चोट लगी थी? रवि को। रवि को चोट लग जाती है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि रवि के पैर में पट्टी किसने बांधी थी? तो किसने बांधी थी? डॉक्टर ने। अब आप क्या लिखेंगे? रवि के पैर में डॉक्टर ने पट्टी बांधी थी।
ठीक है, रवि के पैर में डॉक्टर ने पट्टी बांधी थी। तो जब कभी हम कोई अपठित पद्यांश या गद्यांश पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते समय हमेशा हमारे हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए, ताकि पढ़ते समय हम उन तथ्यों को रेखांकित कर सकें जो कि पढ़ते समय हमें महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हमको जो महत्वपूर्ण लग रहा है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए होंगे। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है इस तरह के उत्तर देते समय, कि जो आपका प्रश्न होगा वहीं से आपका उत्तर शुरू होता है। जैसे कि क्रिकेट कौन खेल रहा था, तो आपने जवाब लिख दिया सुधीर अपने मित्रों के साथ, बाकी तो आपने यहीं से ले लिया क्रिकेट खेल रहा था, आपको रटना नहीं है। दूसरा देखिए, गेंद पकड़ते समय किसको चोट लग जाती है, ठीक, अब गेंद पकड़ते समय रवि को चोट लग जाती है, सारा तो आपका प्रश्न से ही है, बस उत्तर का जो जरूरी भाग है वो आपने प्रश्न से ले लिया। तीसरा देखिए, रवि के पैर में पट्टी किसने बांधी थी, ठीक है, तो आपका जो उत्तर है वो प्रश्न से ही शुरू होगा, यानी कि रवि के पैर में डॉक्टर ने पट्टी बांधी थी। इस तरह से हम लोग अपठित गद्यांश और पद्यांश जब भी हमारे सामने रखा जाता है उसको पढ़ते समय महत्वपूर्ण तथ्यों के नीचे लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद प्रश्न पढ़कर उनका उत्तर देना शुरू करते हैं।